गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड सेफ लाइक एज मी। सो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CNC BMC क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल कॉन्टेंट लेके। काइजन दोस्तों, काइजन एक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही जरूरी है। ये काइजन क्या होता है, काइजन की फादर ऑफ काइजन किसे कहते हैं, काइजन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ काइजन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ काइजन क्या होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ काइजन क्या होते हैं, इन सभी पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखें, और अभी तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ काइजन। क्या जानेंगे हम? डेफिनेशन ऑफ काइजन। काइजन की जो डेफिनेशन होती है दोस्तों, वो क्या होती है, उस काइजन कहते हैं किसे, वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आपको, मैं यहाँ पे आप हिंदी में बता दूंगा, इंग्लिश में साथ में बताएंगे, इंग्लिश के साथ में हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत। काइजन इज ए जापानीज कंसेप्ट It is made up of two words of Japanese. It is made up of two words of Japanese. First is and second is Zen. तो दोस्तों, आपने देखा जो काइजन है, मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूं, एक डेफिनेशन बताता हूं आपको। कॉमनली वी आर नोन एज ए continual system। so दोस्तों, मैंने यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। काइजन की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, तो ये है, मैं बता दूंगा आपको। काइजन इज ए जापानीज कंसेप्ट और सिस्टम। काइजन क्या है, एक जापानीज सिस्टम है, एक कंसेप्ट है जो जापानीज का है, जापान ने सबसे पहले इसको डेवलप किया है। इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स ऑफ जापानीज। ये जापान के दो वर्ड से मिलकर बना है। जो कौन कौन से वर्ड होते हैं, फर्स्ट वर्ड है काई और सेकेंड वर्ड है जन। अब दोस्तों, कॉमनली वी ऑल नो एज ए कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। कॉमनली हम साधारणतः इसको किस नाम से भी जानते हैं, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे, ये टू वर्ड से मिलके बना है, यहां से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। कहां से? यहां से, ये काई प्लस जन। तो दोस्तों, मैं यहां पर लिख देता हूं इधर काई KAI और इधर लिख देता हूं जन, इक्वल टू बन जाता है काई जन। दो वर्ड से मिलकर बना है। अब जापानीज में दोस्तों, जो काई का अर्थ होता है दोस्तों, उसकी हम बात करें तो वो होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। अगर इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? बदलाव। क्या होगा? बदलाव। ऐसे ही अगर हम यहां पे बात करेंगे, जन का मतलब जो होता है, जैन का मतलब होता है दोस्तों गुड, या हम इसको बोले वेटर। इसका अगर हम हिंदी में करें तो अच्छा। अच्छा, तो दोस्तों, जब आपने मारुति की एक पहले बहुत ही फेमस गाड़ी हुआ करती थी, आज से 15-20 साल पहले, उसका नाम था जैन। तो आपने जैन का नाम ऑलरेडी सुना होगा, मारुति कंपनी की जैन। तो उसका जो वो जैन थी ना, वो काइजन को रिप्रेजेंट करती थी। किसको? काइजन को ही रिप्रेजेंट करती थी। इसी जैन का मतलब था गुड, बेटर, मतलब उस समय की वो बेटर कार थी, इसलिए उसका नाम जैन रखा गया था। तो आपको ये पता चल चुका है
तो इसका अगर सीधा सा मीनिंग हम निकालें तो क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, काइजन मींस इसको हम कहें अगर चेंज फॉर बेटर और गुड, क्या कहें, काइजन मींस क्या है, चेंज फॉर बेटर और गुड, अच्छे के लिए जो बदलाव होते हैं वो काइजन कहलाते हैं। मैं हिंदी में लिख देता हूं, अच्छा करने के लिए जो बदलाव किए जाते हैं हैं वो काइजन कहलाते हैं। कुछ भी अच्छा करने के लिए हम जो भी चेंज करते हैं दोस्तों वो काइजन होता है। कुछ भी छोटा से छोटा जो भी कुछ करेंगे वो सब क्या होते हैं, काइजन। अब हम दोस्तों डेफिनेशन की बात हो गई, काइजन के मीनिंग की बात हो गई, काइजन के अर्थ की बात हो चुकी है, अब हम बात करेंगे फादर ऑफ काइजन किसे कहते हैं। फादर ऑफ काइजन कौन था, तो दोस्तों मैं बताऊं, यमाई मसाकी इमाई, इनको क्या है, काइजन का फादर कहा गया, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया जापान में, मसाकी इमाई इन्होंने ही क्या किया जापान में, सबसे पहले काइजन के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसमें इंडस्ट्री डेवलपमेंट के बारे में लिखा गया था कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट को हम कैसे कर सकते हैं, अपने जो हमारे मैन पावर होती है उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, रिजेक्शन की क्वांटिटी को कैसे कम करा जा सकता है, मतलब जो चीज़ें हमें रिडक्शन करनी थी उनको रिडक्शन कैसे करना चाहता है, जिन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं उनको इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने काइजन नाम की एक बुक लिखी थी, क्या लिखी थी, काइजन नाम से एक बुक लिखी थी इन्होंने। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ था, काइजन का इन्होंने फादर कहा गया, मसाकी इमाई को काइजन का फादर कहा गया। टाइप्स ऑफ काइजन, काइजन के प्रकार, दोस्तों हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं जो बोलता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ काइजन, काइजन के प्रकार की अगर हम बात करें तो दोस्तों काइजन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनकी एप्लीकेशन उनके प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है वो कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग काइजन हो सकते हैं। लेकिन अगर जापानीज कंसेप्ट की बात करें तो जापानीज कंसेप्ट में कहीं भी ऐसा उल्लेखनीय नहीं हुआ है जिसमें कहीं बताया गया हो कि काइजन के कितने प्रकार होते हैं। सो मैं आपको वो प्रकार टाइप्स नहीं बता सकता क्योंकि काइजन के प्रकार किसी भी ने नहीं कहीं बताए हैं। काइजन के प्रकार इमाम साथी जो थे, इसके डेवलपर जो थे, उन्होंने इनके काइजन के टाइप्स को नहीं बताया, उन्होंने एक कंसेप्ट लिखा था जिस कंसेप्ट को मैं आपके बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता दूंगा, जापानियों ने क्या कर रखा है, काइजन को फर्दर क्लासीफाइड किया हुआ है। क्लासीफाइड मतलब दो प्रकार के काइजन उन्होंने बता रखे हैं। हालांकि ये इमाम साखी ने कहीं भी अपने उल्लेखनीय में नहीं किया है, इस काइजन की बुक में नहीं बताया था काइजन प्रकरण, लेकिन अब जापानियों का जो मानना है वो उन्होंने क्या कर रखा है, इनको मान रखा है कि काइजन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूटोरी काइजन, और सेकंड दोस्तों होता है काराकोरी काइजन। क्या होता है, काराकोरी काइजन। इन दो काइजन को जापान में मान्यता मिली हुई है। हालांकि ये मैं कई बार बता चुका हूं, काइजन के टाइप्स किसी भी ने कहीं भी उल्लेखनीय नहीं हुआ है इनका। किसी ने जो मैम साखी थे, इसके जो डेवलपर थे, इसके जो फादर थे, उन्होंने भी काइजन को टाइप्स को नहीं बताया, लेकिन जापान में ऐसा माना जाता है कि काइजन दो प्रकार के होते हैं। अब इनको बता देता हूँ, यूटोरी काइजन का दोस्तों मतलब क्या होता है। यूटोरी काइजन का मतलब होता है दोस्तों सिंपली, यूटोरी काइजन किसे कहते हैं, वो काइजन होता है जहाँ पर मैन को सीधा सीधा रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि आदमी को सीधा सीधा आराम मिलने की जहाँ बात कही जाती है वो क्या होता है, यूटोरी काइजन। आप समझ लीजिए, यूटोरी काइजन क्या होता है, जहाँ पर मैन को सीधा सीधा रिलैक्सेशन दिया जाता है, आराम दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यूटोरी काइजन। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो जापान में क्या कर रखा है, एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसकी, तो जापान के जो स्कूल होते हैं
उनमें क्या कर रखा है 15 and 30 डेट जो होती है महीने की, उनको क्या होता है स्कूल का टाइमिंग जो होती है हाफ कर दी जाती है। अगर वहाँ 4 घंटे पढ़ाए जाते हैं तो इन दोनों में क्या होगा 2 घंटे पढ़ाए जाते हैं। बैंकिंग का जो टाइम होता है दोस्तों, जहाँ पे माइंड ज़्यादा खर्च होता है, यहाँ माइंड का काम होता है। बैंकिंग के काम में क्या कर रखा है उन्होंने, सैटरडे ऑफ कर रखा है और ट्यूजडे को सेकेंड हाफ कर रखा है, सॉरी फर्स्ट हाफ कर रखा है। तो ऐसा कुछ कर रखा है यहाँ पे सीधा सीधा माइंड को आराम रिलैक्सेशन की बात कही जाती है। वहाँ पे क्या होता है, अगर हम अपने यहाँ की इंडिया की बात करें तो दोस्तों इंडिया में भी क्या होता है कि बैंकिंग में जो टाइम टेबल होती है बैंकिंग की, वो कई बार आपने देखा होगा कि सैटरडे में या तो 2 PM तक होती है, 2 बजे तक होती है, या फिर सैटरडे कई बार ऑफ भी होता है बैंकिंग में, सेकेंड या थर्ड फोर्थ सैटरडे जो भी होता है ऑफ होता है। तो ये किस लिए किया गया, क्योंकि वहाँ पे मैन को सीधा सीधा रिलैक्सेशन दिया जाता है, वहाँ कहीं गलती ना हो जाए उनसे बैंकिंग के काम में, कैशलेस लेन देन में कोई ज़्यादा गलती ना हो जाए, इसलिए क्या किया गया है कि वहाँ पे काइजन को कर दिया गया है और वहाँ पे मैन को सीधा सीधा रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसको हम बोलते हैं, जैसे स्कूलों में भी इंडिया में भी क्या होता है बीच में इंटरवल दिया जाता है, काफ़ी बच्चे 3 या 4 घंटे बाद बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो उनको इंटरवल दिया जाता है, बच्चे खेल सकते हैं या उसको हम स्पोर्ट्स आवर्स भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है बच्चे आराम से खेलते हैं, उनको रिलैक्सेशन माइंड पे मिलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं यूटोरी काइजन। अब बात करते हैं दोस्तों हम सेकंड एग्जांपल की काराकोरी काइजन। काराकोरी काइजन में दोस्तों क्या होता है मैं आपको बता दूँ, काराकोरीजन ये लिखा गया है जापान में क्या होता है काराकोरी डॉल्स होती हैं, तो काराकोरी डॉल्स क्या करती हैं होटलों में होती हैं उनके एज ए वेटर का काम करती हैं। तो अगर इनकी बात करें तो वो एक ऐसा सिस्टम होता है दोस्तों जहाँ पे इलेक्ट्रिक या फ्यूल से बचत होती है, इलेक्ट्रिक या फ्यूल के बगैर ही उसका मतलब जो है संचालित किया जा सकता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं होती, किसी भी पावर की एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पे कोई भी फ्यूल की जरूरत नहीं होती है, फिर भी वो वर्क करते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ, एक हमारी होती है यहाँ पे रिमोट वाली, बच्चों की कार होती है रिमोट वाली कार, और सेकेंड होती है की वाली कार। इसमें रिमोट वाली कार में दोस्तों क्या पढ़ते हैं सेल पढ़ते हैं, सेल पढ़ते हैं सेल, तो वो क्या होता है इलेक्ट्रिक होती है, रिमोट से कंट्रोल होती है, लेकिन सेल इसमें पावर चाहिए होती है, इसको कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होती है। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हम चाबी भर देते हैं दोस्तों, और एक चाबी भर देते हैं, एक रेंज होती है, वहाँ पे जाके वो चलती है और वहाँ पे जाके रुक जाती है जब तक उसकी चाबी फिनिश होती है। तो ये भी वर्क करती है, दौड़ती ये भी है और ये भी दौड़ती है दोस्तों। फर्क है कि यहाँ पर किसी प्रकार की किसी पावर का कंज्यूम नहीं हो रहा है, कोई इलेक्ट्रिक या फ्यूल यहाँ पर नहीं डलता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर का यूज हो रहा है। तो ये क्या होता है काराकोरी काइजन होता है दोस्तों। तो आपको पता चल चुका है कारक टाइप्स ऑफ काइजन। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हम काइजन कैसे करें, हमें काइजन मिलते नहीं है, काइजन होते नहीं है। तो मैं आपको एक चीज दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि काइजन कभी ढूंढने से नहीं मिलेंगे, आपको काइजन कभी ढूंढने नहीं है। आप वर्कशॉप में काइजन ढूंढते हैं, ढूंढने से मेरे भाइयों काइजन नहीं मिलते। करना क्या है होता है, आपको ढूंढनी होती है प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम ढूंढो और प्रॉब्लम पे आप सॉल्यूशन जब करेंगे तो वो काइजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सच कह रहा हूँ ना, तो आप समझो आपको ढूंढना होता है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको कुछ 4 मैजिक पॉइंट बताऊंगा, 6 पॉइंट ये बता देंगे कि काइजन आपको कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है। फर्स्ट है इज नॉट, सॉरी नंबर की बात नहीं करूंगा दोस्तों। तो फर्स्ट है इज नॉट, यहां सही से दिखा दो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इज नॉट देयर ए मोर बेटर मेथड फॉर दिस। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं आपको वहां पे सोचना पड़ेगा, आप कुछ भी कर रहे हैं वहां पे आपको सोचना पड़ेगा, इज नॉट देयर ए मोर बेटर मेथड ऑफ दिस। क्या इसको करने का कोई और अच्छा तरीका नहीं हो सकता है, आपको ऐसा सोचना है, क्या इस काम को करने का कोई और अच्छा तरीका नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर आप सोचेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको तरीका मिल जाएगा अच्छा करने का। तो वो क्या होता है, ये आइडेंटिफिकेशन होती है। सेकंड आइडेंटिफिकेशन जो होती है दोस्तों सेकंड है हमारा, कैन दिस जॉब बी मेड मोर कंफर्टेबल। क्या इस जॉब को हम और ज्यादा आसानदायक आरामदायक बना सकते हैं, ऐसा आपको सोचना है। अगर वो काम आपका जो भी आप काम कर रहे हैं वो और ज्यादा आप आरामदायक आसान बना सकते हैं तो क्या होगा, वो एक काइजन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट जो दोस्तों हमारा होता है दोस्तों, यहां पे आपने देखा थर्ड पॉइंट है, जो है थर्ड पॉइंट है इज नॉट देयर ए फास्टर वे ऑफ डूइंग इट।
क्या इसको और अधिक तेज करने का कोई तरीका हो सकता है? फास्ट वे कोई तरीका, अलग रास्ता हो सकता है इसको और फास्ट करने का, और तेज करने का? अगर कोई रास्ता तेज करने का है तो वो भी क्या है, एक काइजन है। फोर्थ जो हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन में, वो है इज नॉट देयर ए सेफर वे ऑफ डूइंग इट, मतलब सेम। तो क्या वहां पे एक और उसको स्वच्छादायक कोई तरीका हो सकता है, कोई ऐसा तरीका जिससे आर्मी की सेफ्टी को और ज्यादा अच्छा बनाया जा सके? क्या ऐसा कोई तरीका है? अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, काइजन हो जाएगा। तो ये फोर आइडेंटिफिकेशन होते हैं जिनसे हम काइजन को कर सकते हैं, काइजन को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, काइजन सोच सकते हैं कहाँ पे काइजन होते हैं, काइजन को सोचने की कैपेबिलिटी होती है इनमें। अब हम दोस्तों नेक्स्ट बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ काइजन। फादर ऑफ काइजन कहते थे मसाकी इमाई। मसाकी इमाई ने दोस्तों क्या काम किया था, एक अपने कंसेप्ट में चीज बताई हुई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उन्होंने कहा है कि एवरी वन, क्या कहा है, एवरी वन, और क्या कहा है, एवरीवेयर एवरी डे। एक साइकिल बनाई हुई है दोस्तों, ये साइकिल है। इन्होंने कहा है कि एवरी वन यानी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जो भी आदमी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, एवरी वन एवरी डे, प्रतिदिन, एवरी डे, एवरीवेयर, मतलब हर आदमी को हर डिपार्टमेंट में किसी न किसी छोटे मोटे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो कंपनी में काइजन होते रहेंगे और वहां पे कंपनी में इंप्रूवमेंट सुनिश्चित किया जा सकेगा, तो वो कंपनी आगे तरक्की करती हुई चली जाएगी। तो ये किसने कहा था, हमारा इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। कई बार इसको कंप्यूटर इम्प्रूवमेंट साइकिल भी दोस्तों कहते हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया है। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन दू। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअल में क्या डिफरेंस है, आप ये समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअल? कभी कोई पूछ सकता है आपको इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस? तो दोस्तों मैं आपको यहां बता देता हूं, मान लीजिए ये कोई ग्राफ है और यहां से एक ये तरीका है, एक ये तरीका है जो सीधा जाता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लगातार बिना रुके सीधा। और इस सिस्टम को बोलते हैं दोस्तों कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअल मतलब थोड़ा सा बढ़े, फिर थोड़ा सा कुछ काम किया, फिर थोड़ा बढ़े, फिर थोड़ा कुछ काम किया, फिर थोड़ा बढ़े, फिर कुछ काम किया। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम धीमे 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 इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट, फिर रुके थोड़े से, फिर रुकने के बाद फिर इंप्रूवमेंट किया, फिर थोड़ा सा रुकेंगे, फिर थोड़ा इंप्रूवमेंट करेंगे, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर इंप्रूवमेंट करेंगे, रुक रुक के स्टेप बाय जो इंप्रूवमेंट करते हैं, ये क्या होता है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट है। इस सिस्टम को ही हम काइजन बोलते हैं, इसको नहीं बोलते कंटिन्यूअस वाले को काइजन, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअल, धीमे धीमे जो होता है। तो आपको ये बता दिया। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ काइजन। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट क्या होते हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट,
सेफ्टी इंप्रूवमेंट। दोस्तों इन चीजों को आप नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं मैं आपको। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सेफ्टी इंप्रूवमेंट, और क्या है यहां पे आता है एक मोरल इंप्रूवमेंट। अब हम बात करते हैं दोस्तों कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन स्पेस सेविंग कॉस्ट रिडक्शन हो गया, स्पेस सेविंग हो गया, और क्या हो गया 5S इंप्रूवमेंट। और भी कर सकते हैं हम 9 नंबर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। प्रोसेस इंप्रूवमेंट तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट थे। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट मतलब जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सेफ्टी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मोरल आदमी के मनोवैज्ञानिक यानी कि मनोरंजन में हम इसको मोटिवेट कर सकते हैं। लोगों को मोटिवेशन में क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। डिलीवरी, डिलीवरी मतलब किसी भी मैटर की अपने की हम डिलीवरी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन में बहुत कुछ आ जाता है दोस्तों। हम मैन पावर कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, टूलिंग कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, ऑयल कंज्यूम्शन कंज्यूमेबल आइटम की कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कॉस्ट रिडक्शन में। कैसी भी कॉस्ट हो हमें रिडक्शन करनी होती है। तो स्पेस सेविंग में हम स्पेस सेविंग कर सकते हैं, कहीं जगह बना सकते हैं, 5S इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, प्रोसेस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ कुल मिलाकर 9 पॉइंट लिखे हुए हैं दोस्तों। ये इन काइजन का बेनिफिट्स होता है दोस्तों वो ये होता है, बता दिया मैंने। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये जरूरी नहीं है कि इतने, ये बहुत सारे इंप्रूवमेंट काइजन के हो सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट काइजन के हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे इतने लिखे हैं एक आपको एग्जांपल के तौर पर। सो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी या जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।